चिकित्सा जगत के शिरोमणि गणेश मेले के संस्थापक मंडल के सबसे प्रथम एमडी एमबीबीएस डॉक्टर गिरिराज किशोर का पार्थिव शरीर वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच पवित्र अग्नि के सुपुत्र किया गया। डॉक्टर गिरिराज के बड़े पुत्र मनोज कुमार मीनू ने नम्न आंखों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर नगर व आसपास के समाज से भी राजनीतिक एवं गणमान्य हस्तियों ने डॉक्टर साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दाह संस्कार से पूर्व डॉक्टर साहब की शव यात्रा निकाली गई। नगर में हर कोई डॉक्टर साहब के अंतिम दर्शनों को उमड़ पड़ा। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। डॉक्टर गिरिराज किशोर के अंतिम संस्कार में प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, पूर्व दर्जा मंत्री मंजू दिलेश, सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी, हाजी ताहिर हुसैन, भुवनेश वाषणे, अंकित जैन, उमेश चंद्र दिवाकर आदि राजनीतिक एवं समाज सेवी लोग मौजूद रहे। नाम था आज हमारे बीच नहीं, क्या कहना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जिसने हजारों लोगों को निःशुल्क चिकित्सा दी हो, जो अपने चिकित्सा जगत में 90 साल की उम्र में तक आखिर तक चिकित्सा दी हो, लोगों को फ्री में इलाज देते हो, दवाइयाँ देते हो, आज वो हमारे देश छोड़ कर चला गया, जिसने गणेश चौथ का मेला पूरे देश विदेश में नाम करा, ऐसा व्यक्ति हमारे आज बीच में नहीं है। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ चरणों में नमन करते हुए उनको बार बार नमन करते हैं। हस्ती इसमें हमारे बीच नहीं है, क्या कहना चाहिए? इस समय डॉक्टर साहब के बारे में कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारा मन जो है इतना दुखी है कि हम बता नहीं सकते। आपके लिए मैं तो कहती हूँ कि हिंदुस्तान की एक शख्सियत को हमने खोया है। इनके नाम से हमारा प्रदेश जाना जाता था, जिला ही नहीं जाना जाता था, प्रदेश जाना जाता था। जो अपने व्यक्तित्व के धनी थे, कोई कितना भी गंभीर रोगी आया, उनके व्यवहार से आधा रोग तो उसका वैसे ही ठीक हो जाता था। तो ऐसे सबको स्वस्थता देने वाले, प्रसन्नता देने वाले हम डॉक्टर साहब के चरणों में बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज हमारे बीच नहीं है, क्या कहना चाहिए? आज पूरी चंदौसी के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ा दुखद वो है समाचार है कि जिन्होंने चंदौसी को एक नई पहचान दी पूरे देश में, वो जो डॉक्टर साहब सबके हृदयों में बसते थे, आज हम सबको छोड़ चले गए। इससे बड़ा दुखद दिन नहीं हो सकता। हम चाहते हैं ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें, और उन्होंने जो सपना था चंदौसी को लेकर के, वो सपना पूरा हो, आगे हम नई पीढ़ी से आगे बढ़ावे, यही मेरा।